गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। क्लासिकल जूलॉजी इनोवेटिव रेट्स की वीडियो सीरीज का चौथा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ। जिन विद्यार्थियों ने मेरे पुराने चैप्टर पढ़े हैं वो इस शब्द का अर्थ भलीभांति जानते हैं। प्रोटोजोआ को पढ़ने से पहले हमें प्रोटिस्ट और प्रोटोजोआ दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। दोनों के बीच में क्या समानता है या क्या अंतर है, यह भी हमें देखना पड़ेगा। हमने पिछली क्लासेज में हेकल और विटिकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ा था। यहाँ हम देखते हैं प्रोटिस्ट और प्रोटोजोआ में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। हेकल के अनुसार प्रोटिस्टा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एक कोशिकीय जीव को रखा जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नील हरित शैवाल जिसमें जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं आदि आते हैं, जबकि प्रोटोजोआ में सिर्फ एक कोशिकीय यूकैरियोट्स जीवों को रखा जाता है, जिसमें मुख्य एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अमीबा और पैरामेशिया। विटेकर के द्वारा दिए गए पंच जगत प्रणाली के अनुसार प्रोटिस्टा के अंदर सारे एक कोशिकीय एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट आदि को रखा जाता है, जबकि प्रोटोजोआ के अंदर सिर्फ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को रखा जाता है। ये प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ में बेसिक डिफरेंस है, ये हमें ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, ज्यादातर साइंटिस्ट ने इस बात पर सहमति जताई है कि प्रोटिस्ट का जो ओरिजिन है वो एंसेस्टर आर्कियन एंसेस्टर्स ग्रुप से हुआ है, यानी इनका जो पूर्वज है वो आर्कियन ग्रुप है। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोटोलॉजिस्ट, इन्होंने 2005 में एक क्लासिफिकेशन दिया था प्रोटिस्टा का, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर उन्होंने 6 सुपर ग्रुप रखे थे, जिसमें से 4 सुपर ग्रुप के अंदर सिर्फ प्रोटोजोआ फाइलम को रखा। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोटोलॉजिस्ट प्रोटिस्टोलॉजिस्ट द्वारा दिया गया है। हालांकि हम इसको, ये अभी बहुत कम प्रचलन में है, हम पुराना वाला ही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जिसके अंदर प्रोटोजोआ फाइलम को 4 सब फाइलम में डिवाइड किया था हमने, मेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सिलिएटा। इन 4 सब फाइलम को हम पढ़ते हैं पुराने वाले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जबकि यहाँ पे 2005 में मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसके अंदर प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया और 4 अलग सुपर फाइलम बनाए गए, जो जिसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को रखा गया था। आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का जो निर्माण है वो सिम्बायोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा हुआ है। एक प्रोकैरियोटिक सेल जब दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल को निगल लेती है, डाइजेस्ट नहीं करती है, निगल लेती है, तब इस प्रोसेस के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का निर्माण होता है। जो सेल निगली जाती है वो रिड्यूस हो जाती है और एक ऑर्गेनेल का निर्माण कर लेती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है प्रोटोजोआ से एक कोशिकीय प्रोकैरियोट से बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स का निर्माण किस प्रकार हुआ है। हम 2 कंसेप्ट और देखते हैं, प्लांट लाइक और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे किन जीवों को हम प्लांट लाइक कहते हैं, किन जीवों को हम एनिमल लाइक कहते हैं, वो डिपेंड करता है वो खाना किस प्रकार ग्रहण करते हैं। फूड इज गैदर्ड, प्लांट्स की बात करते हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन स्वयं बनाते हैं। एनिमल हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जिसको आगे हम फेगोट्रॉप्स और ऑस्मोट्रॉप्स या सेप्रोजोइक में डिवाइड कर सकते हैं। फेगोट्रॉप्स को हम होलोजोइक कहते हैं, वे एनिमल्स जो अपना भोजन किसी विजिबल पार्टिकुलेट से प्राप्त करते हैं या किसी ऐसे पदार्थ से प्राप्त करते हैं, ठोस रूप में निगलते हैं या खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो होलोजोइक होते हैं। ऑस्मोट्रॉप्स या सेप्रोजोइक वो होते हैं जो अपना भोजन सोल्यूबल फूड के रूप में प्राप्त करते हैं, द्रवित रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे ब्लड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ब्लड को चूसते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, तो वो सेप्रोजोइक होते हैं। फेगोट्रॉप्स का दूसरा अर्थ आप फेगोसाइटोसिस से भी समझ सकते हैं, यानी एंडोसाइटोसिस क्रिया द्वारा भोजन को अंदर निकल लेते हैं। अब ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुकोशिकीय जीवों पे
लागू की जा सकती है, आराम से उन पर लागू होती है। जबकि एक कोशिकीय जीव के अंदर यदि हम इस कंसेप्ट को लागू करते हैं तो पूरी तरह फिट नहीं बैठते, यानी ये प्लांट और एनिमल डिस्टिंक्शन हम एक कोशिकीय जीव में लागू पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। एक कोशिकीय जीव को हम प्लांट और एनिमल के आधार पर पूर्णतः डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कुछ जीव ऐसे जो प्लांट की तरह भी बिहेव करते हैं और एनिमल की तरह भी बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं हम जैसे ऑटोट्रोपिक प्रोटोजोआ की बात करते हैं। ऑटोट्रोपिक प्रोटोजोआ मतलब प्लांट लाइक, लेकिन ये फेगोट्रोप्स भी होते हैं और ऑस्मोट्रोप्स भी होते हैं। युगलिना की कुछ स्पीशीज जो भोजन के रूप में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ग्रहण करती है, हालांकि वे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और कुछ स्पीशीज क्लोरोप्लास्ट को लूज कर देती है, रिमूव कर देती है या नष्ट कर देती है जब उनको लगातार हम अंधेरे में रखें। इसका मतलब यह है कि हम प्रोटोजोआ को ऑटोट्रॉप्स या हेटरोट्रॉप्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स से इवॉल्व्ड हुए प्रतीत होते हैं, यानी इनका निर्माण या इनके जो पूर्वज है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, ऐसा माना गया, ऐसा प्रतीत होता है, जो स्टडीज है उनके द्वारा ऐसा हमें पता चलता है। और इसी फाइंडिंग्स के कारण प्रोटोजोआ एनिमल और प्लांट के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। इसके अलावा ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म के बीच में भी एक कड़ी का काम करते हैं। बात करते हैं यूकेरियोट्स की तरह प्रोटोजोआ का बिहेवियर कैसा है, या ऐसा क्या है जो यूकेरियोट्स की तरह है। तो यूकेरियोट्स की तरह प्रोटोजोआ के अंदर केंद्रक पाया जाता है और झिल्ली युक्त अंग पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, जबकि एनिमल की विपरीत प्रोटिस्टा की तरह इनका निर्माण कभी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज ब्लास्टुला से नहीं होता है, यानी दो शब्दों में इनके अंदर जर्म लेयर नहीं पाई जाती, इनके अंदर ब्लास्टुला नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अभी हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कि वर्तमान में मॉडर्न क्लासिफिकेशन 2005 में दिया गया था प्रोटिस्टोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें प्रोटोजोआ के चार सुपर ग्रुप बनाए गए थे और दो सुपर ग्रुप है वो अलग प्रोटिस्टा के सुपर ग्रुप है, यानी प्रोटिस्टा के टोटल 6 सुपर ग्रुप है जिसमें 4 प्रोटोजोआ के सुपर ग्रुप है। यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो बेसिक क्लासिफिकेशन है जो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में यूज किया जाता है, ज़्यादातर पीजीओजी कोर्सेज में हम इसको यूज करते हैं। ये लोकोमोशन और सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रजनन के आधार पर बेस्ड था ये क्लासिफिकेशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड था, लोकोमोशन और सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। कई सालों तक हमने प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, या 4 सुपर फाइलम कह सकते हो आगे चल के, सब फाइलम कह सकते हो आगे चल के, एमीबोइड फॉर्म, फ्लैजिलेटेड फॉर्म, सिलेटेड फॉर्म और स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, ये 4 सुपर ग्रुप है। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। इन ग्रुप्स के अंदर कोई भी वास्तविक इवोल्यूशन रिलेशनशिप प्रतीत नहीं होता है। कुछ स्पीशीज जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में या विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में अलग अलग लोकोमेट्री सिस्टम को प्रदर्शित करती है। कुछ फ्लैजिलेटेड स्पीशीज है, उदाहरण के तौर पर फ्लैजिला को लूज कर देती है या नष्ट कर देती है तथा एमेबोइड मूवमेंट को प्रदर्शित करती है, और दूसरे समय ये एनसिस्ट और नॉन मोटाइल भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था इन ग्रुप्स के अंदर कोई एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं प्रतीत होता है, इसलिए फिर 2005 में मॉडर्न क्लासिफिकेशन दिया गया था। लेकिन हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादातर जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसी का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। प्रोटोजोआ उन सभी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पे नमी पाई जाती है,
ज़्यादातर स्पीसीज फ्री लिविंग स्पीसीज होती है वो मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती है, और जहाँ नमी जिस मिट्टी में नमी पाई जाती है वहाँ पे पाई जाती है। पैरासिटिक फॉर्म होती है वो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर कंडीशंस में पाई जाती है। फ्री लिविंग स्पीसीज की हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, प्रोटोजोन्स की विभिन्न स्पीसीज के अंदर म्यूचुअलिज्म यानी दो स्पीसीज एक साथ संबंध इस प्रकार का संबंध बनाती है जिसमें दोनों को लाभ होता है। कॉमेंसलिज्म जिसमें केवल एक को लाभ होता है दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है। पैरासिटिज्म जिसमें एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होती है। ये सारे प्रकार के संबंध प्रोटोजोन्स ग्रुप में पाए जाते हैं। सिमेट्री की बात करते हैं तो इस ग्रुप में सारे प्रकार की सिमेट्रियाँ पाई जाती है, और इसकी जो शेप होती है वो भी वेरिएबल होती है, ओवल भी हो सकती है, स्पेरिकल भी हो सकती है, या अन्य किसी प्रकार की एनिमित आकार की भी हो सकती है। जैसे बात करते हैं अमीबा की तो उनकी एनिमित आकार की होती है। साइज 500 से 250 माइक्रोमीटर तक लंबी हो सकती है, यानी इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। कुछ जातियाँ हो सकती है जिनको हम जो लॉन्ग होती है जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, बाकी को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर है, ये हम सभी जानते हैं। यदि हम बात करें एक यूनिसेलुलर के रूप में, तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर के रूप में एक कंप्लीट और पूरे ऑर्गेनिज्म की भांति कार्य करता है। वो सारे कार्य करता है, जैसे फीडिंग का कार्य करता है, डाइजेस्टिंग का कार्य करता है, लोकोमोशन का कार्य करता है, बिहेविंग का कार्य करता है, जनन का काम करता है। ये सारे काम जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं वो सारे काम ये करता है। इसलिए हम प्रोटोजोआ को यदि यूनिसेलुलर की बजाय एसेलुलर या एकोशिकीय कहें तो ज़्यादा बेटर है। अगला करेक्टर देते हैं, नो जर्म लेयर प्रेजेंट, कोई भी जन स्तर इसमें नहीं पाया जाता है। बात करें एक्टोडर्म की, एंडोडर्म की, मेजोडर्म की, इनकी उत्पत्ति ब्लास्टुला से आगे चलकर गैस्टुलेशन के दौरान इनकी उत्पत्ति होती है। तो ये ब्लास्टुला गैस्टुला प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है, इसलिए नो जर्म लेयर प्रेजेंट। ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार की ग्रेड पाई जाती है, कोई भी ऑर्गेन और टिश्यू नहीं पाया जाता है, परंतु कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता है, जैसे सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इनका जो बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो बॉडी के आयतन से ज़्यादा होता है, इसी कारण इनके अंदर गैसों का एक्सचेंज और सोल्यूबल वेस्ट का रिमूवल विसरण के द्वारा आसानी से संपन्न हो जाता है। ध्यान ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, सरफेस एरिया जब आयतन से ज़्यादा होता है उस स्थिति में क्या होता है, जो गैसों का एक्सचेंज है वो आसानी से हो जाता है, और सोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है उसको आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा। प्रोटोजोआ की जो बॉडी है वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहती है, जो संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से बाकी सभी बहुकोशिकीय जीवों के समान होती है। एक स्पेशल संरचना प्रोटोजोआ के अंदर पाई जाती है, वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसका काम क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर से जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालना। लेकिन ये सिर्फ एक्वेटिक फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि एक्वेटिक फॉर्म जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर ये समस्या आती है। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ का जो साइटोप्लाज्म होता है उनकी जो कंसेंट्रेशन होती है, जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन होती है, वो बाहरी एनवायरमेंट की जो कंसेंट्रेशन होती है उससे हमेशा ज़्यादा होती है। इस वजह से बाहर से पानी लगातार प्रोटोजोआ के अंदर प्रवेश करता रहता है, जिसके कारण प्रोटोजोआ को एक्सेस वाटर को वापस निकालना होता है, और उसी के लिए विशेष प्रकार की वैक्यूल्स पाई जाती है जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। ये मेराइन और पैरासिटिक फॉर्म में नहीं पाई जाती है। ये ऐसा क्या क्वेश्चन पूछा गया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स किस में पाई जाती है, कौन सी फॉर्म में पाई जाती है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में पाई जाती है या मेराइन या पैरासिटिक फॉर्म में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं
अगली संरचना की ट्राइकोसिस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट संरचना है जो प्रोटोजोन्स के अंदर पाई जाती है, मेनली सिलिएटा ग्रुप के अंदर पाई जाती है, जो सिले जिनके अंदर सिलिया पाया जाता है, जैसे पैरामेशियम, तो पैरामेशियम के अंदर ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। ये भी एक प्रकार की संरचना होती है जो जिनको एक्स्ट्रोसोम्स भी कहते हैं। एक्स्ट्रोसोम्स यानी ऐसी संरचनाएं जो साइटोप्लाज्म में किसी प्रकार के पदार्थ को कुछ भी उनको बाहर निकालने की कैपेसिटी रखते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो भी कोई केमिकल भी हो सकता है, कोई फूड पार्टिकल भी हो सकता है, या कोई टॉक्सिन्स भी हो भी टॉक्सिन्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। उनको साइटोप्लाज्म में बाहर निकालने की कैपेसिटी जो जिन संरचनाओं में पाई जाती है उनको हम एक्स्ट्रोसोम्स कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल है ट्राइकोसिस्ट। न्यूक्लियस की बात करते हैं, सिंगल हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे पिरामिड में बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। लोकोमोशन सुडोपोडिया, फ्लेजिला, सीलिया इनके द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा सेल डायरेक्ट मूवमेंट कर सकती है, कुछ स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल होते हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर जो स्केलेटन है वो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों प्रकार का हो सकता है, या ज़्यादातर क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। बहुत कम प्रोटोजोन्स के अंदर स्केलेटन पाया जाता है। न्यूट्रिशन या पोषण सभी प्रकार का पाया जाता है, जैसे हम बात करें ऑटोट्रॉपिक प्रकार का, हेटरोट्रॉपिक प्रकार का, सेप्रोजोइक प्रकार का, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ के अंदर गोनाड्स या जनद एब्सेंट होते हैं। ये एसेक्सुअली या एलिंग जनन, बाइनरी फिजन के द्वारा या बडिंग के द्वारा या सिस्ट के द्वारा करता है। बाइनरी फिजन में माइटोटिक रेप्लिकेशन द्वारा क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, उसके बाद में जो पैतृक कोशिकाएं हैं वो उसमें स्प्लिटिंग होती है और दो अलग प्रकार की, दो नई प्रकार की कोशिकाएं या प्रोटोजोआ बन जाते हैं। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में एक उभार बनता है और उभार वो टूटकर अलग हो जाता है, उससे एक नया जीव बन जाता है। लिंग जन की बात करें तो कॉन्जुगेशन या सिनगेमी, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ जुड़कर जायगोट का निर्माण करते हैं। इनके बारे में जब हम मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ के मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम सिंपल इनका सिंपल करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, आगे चलते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर भी प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है। जैसे हम वॉलवॉक्स में बात करें तो वॉलवॉक्स भी इसका एक उदाहरण है। जो जातियाँ कॉलोनियल जातियाँ होती है उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है विशेषकर। इसके अलावा उन प्रोटोजोन्स के अंदर जो दोनों प्रकार के जोड़ सकते हैं, सोमेटिक और रिप्रोडक्टिव जोड़ सकते हैं, उनके बीच में भी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। आगे चलते हैं, अब हम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये हमने बेसिक लक्षण प्रोटोजोआ के पढ़े हैं संक्षिप्त में, हम क्लासिफिकेशन की आउटलाइन पढ़ेंगे, हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट जो मेन मेन चीज़ें आती है वो हम देखेंगे। पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन की हम बात कर चुका हूँ, यहाँ हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल है। होनिगबर्ग द्वारा 1964 में दिया गया था। इन्होंने प्रोटोजोआ को चार सब फाइलम में डिवाइड किया था, सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और सिलिएटा। ये चार सब फाइलम है, ये आपको याद रखने हैं। इनके हम मुख्य मुख्य लक्षण देखेंगे और इनको कितनी क्लासों में डिवाइड किया या सब क्लासों में डिवाइड किया या सुपर क्लासों में डिवाइड किया, वो हम संक्षिप्त एक संक्षिप्त रूप से देखेंगे। पहले बात करते हैं हम सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा की। इसके अंदर उन प्रोटोजोन्स को रखा गया जिनके अंदर लोकोमेटरी ऑर्गन फ्लेजिला या सुडोफोडिया पाए जाते हैं। न्यूक्लियस एक प्रकार का पाया जाता है, सिंपल प्रकार का पाया जाता है। कुछ अपवाद है, फोरामिनिफेरिडा की जो डेवलपमेंट स्टेज है वहाँ पे कई प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। स्पोर्स का फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होता है। जिनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उनको हम स्पोरोजोआ और निडोस्पोरा के अंदर रखते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा सामान्यतः सभी प्रोटोजोन्स में होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यदि पाया जाता है सार्कोमेस्टिकोफोरा में तो वो सिनगेमी प्रकार का होता है। सार्कोमेस्टिकोफोरा को हम सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं मेस्टिको, जिसमें पहली है सार्कोमेस्टिकोफोरा को हम
तीन सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली है मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा के अंदर एक या एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये सोलिट्री और कॉलोनियल होते हैं। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, नहीं पाया जाता है। सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा को फिर हम क्लासेज में डिवाइड करते हैं, दो क्लास में डिवाइड करते हैं, फाइटोमेस्टिकोफोरिया और जूमेस्टिकोफोरिया। फाइटोमेस्टिकोफोरिया में क्रोमेटोप्लास्ट पाया जाता है। यदि क्रोमेटोप्लास्ट नहीं है तो उसकी जगह पिगमेंटेड फॉर्म प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल के रूप में देखें तो डायनोफ्लैजेलेट्स, जिसका उदाहरण है नोक्टिलुका, और दूसरे स्पीसीज यूग्लिना और वॉल्वॉक्स तथा क्रिप्टोमोनाश। इसमें यूग्लिना और वॉल्वॉक्स आप याद रख लीजिए, ये फाइटोमेस्टिकोफोरिया क्लास के एग्जाम्पल है। यहाँ आप देख सकते हो, ये पैरामेशियम है, सॉरी यूग्लिना है, जिसमें ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये फ्लैजेला पाया जाता है। ये इनके दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण हैं फाइटोमेस्टिकोफोरा क्लास के। जूमेस्टिकोफोरा क्लास की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स एब्सेंट होते हैं, एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं और इनकी ज़्यादातर स्पीशीज होती है वो पैरासिटिक होती है, ये ज़्यादातर परजीवी होते हैं। और जो फाइटोमेस्टिकोफोरिया होते हैं वो ज़्यादातर फ्री लिविंग वाले होते हैं। ये एक इन दोनों के बीच में आप अंतर देख सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में ट्राइपेनोसोमा, लीस्मेनलिया और जियार्डिया, ये तीन आप याद रख लेना जूमेस्टिकोफोरा में, और इन मॉडल ऑर्गेनिज्म में हम इन तीनों को पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने ट्राइपेनोसोमा का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा गया। यहाँ पे जो फ्लैजेला होता है उसकी विशेषता ये होती है कि ये बॉडी सरफेस से अटैच रहता है और कुछ स्तर पे, कुछ एंड पे ये फ्री रहता है। ये इनकी ट्राइपेनोसोमा की एक मुख्य विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण है इसका। दूसरी सुपर क्लास की बात करते हैं सार्कोडिना। सार्कोडिना में सुडोफोरिया प्रेजेंट होते हैं। पहली क्लास हमने देखी थी मेस्टिकोफोरा, पहली सुपर क्लास हमने देखी थी मेस्टिकोफोरा जिसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, और दूसरी सुपर क्लास हमने देखी थी सार्कोडिना जिसमें सुडोफोरिया पाए जाते हैं। अब सुडोफोरिया कई प्रकार के हो सकते हैं, उसके आधार पर फिर हम इनको आगे चल के क्लासेज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे फ्लैजेला एब्सेंट होता है, हाँ कुछ डेवलपमेंट स्टेज है वहाँ तक उसमें पाया जा सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। यदि हम इनकी क्लासेज की बात करें सुपर क्लास सार्कोडिना की, तो सुपर क्लास सार्कोडिना को तीन क्लासेज में डिवाइड किया है, जिसमें पहली क्लास है राइजोपोडिया। राइजोपोडिया के अंदर लोकोमोशन लोबोपोडिया, फिलोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया के द्वारा संपन्न होता है। लोबोपोडिया के अंदर देखते हैं, यहाँ पे ये लोबोपोडिया है, इसका निर्माण एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों द्वारा होता है। ये विशेष दूसरे प्रकार के सुडोपोडिया से ये अंतर है लोबोपोडिया का। लोबोपोडिया में एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों पाए जाते हैं। ये लोब लाइक स्ट्रक्चर या एक आप कह सकते हो मांसल संरचना है, जो आउटग्रोथ के रूप में निर्माण जिनका आउटग्रोथ के रूप में निर्माण होता है। फिलोपोडिया की बात करें तो फिलोपोडिया का निर्माण सिर्फ एक्टोडर्म से होता है। रेटिकुलोपोडिया की बात करें तो ये प्रकार के फिलोपोडिया ये, लेकिन इनके अंदर ब्रांचेज बन जाती है, इनके अंदर ब्रांचेज बन जाती है। एक चौथे प्रकार का सुडोपोडिया होता है जो एक्जोपोडिया होता है। इनके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स एक्सिस फिलामेंट के रूप में पाया जाता है। अब आप बात करते हैं राइजोपोडिया के पोषण की, तो पोषण फैगोट्रोपिक प्रकार का होता है। इनकी सब क्लासेज की बात करते हैं, इनको पांच सब क्लासेज में डिवाइड किया है। पहली सब क्लास है लोबोसिया, जिनके अंदर लोबोपोडिया पाया जाता है, यानी एग्जांपल के रूप में अमीबा। दूसरी सब क्लास है फिलोसिया, जिसके अंदर फिलोपोडिया पाया जाता है, एग्जाम्पल ग्रोमिया। तीसरी सब क्लास है ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया, जिसके अंदर रेटिकुलोपोडिया पाया जाता है, एग्जाम्पल के रूप में फोरामिनी फेरस एल्फिडियम। चौथी सब क्लास है माइसिटोजोइया, जिसके अंदर ट्रू मल्टीन्यूक्लेटेड प्लाज्मोडियम को रखा गया है। इनके अंदर पोषण फैगोट्रोपिक और ऑस्मोट्रोपिक दोनों प्रकार का होता है, और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम।
पांचवी सब क्लास है लेब्रिनथुलिया। इसके अंदर स्पिंडल शेप्ड इंडिविजुअल्स आते हैं और ये ज़्यादातर समुद्री पादप और मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। लेब्रिनथुला इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड क्लास है पायरोप्लाज्मिया। पायरोप्लाज्मिया के अंदर स्मॉल पीरीफोरम राउंड रोड शेप्ड या एमीबॉइड प्रोटोजोआ आते हैं। इनके अंदर स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, फ्लैजिला भी एब्सेंट होता है और सीलिया भी एब्सेंट होता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है जब हम बात कर रहे थे पहली क्लास की राइजोपोडिया के अंदर। राइजोपोडिया के अंदर बात करें तो यहाँ पे लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया आदि पाए जाते हैं, जबकि वहाँ पे यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे ना तो स्पोर्स है, ना फ्लैजिला है, ना सीलिया है, और लोकोमोशन भी ना सुडोपोडिया से होता है, ना लोबोपोडिया से होता है, ना फिलोपोडिया से होता है। यहाँ पे सिर्फ ग्लाइडिंग बॉडी ग्लाइडिंग के द्वारा लोकोमोशन संपन्न होता है। और ये कशेरुकियों की जो आरबीसी होती है उसके अंदर परजीवी होते हैं, पैक्टरस्टिक्स के रूप में जाने जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में वेबेशिया। तीसरी क्लास है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया के अंदर उन प्रोटोजोन्स को रखा जाता है जिनके अंदर सुडोपोडिया एक्सोपोडिया प्रकार का पाया जाता है, और ये स्पेरिकल होते हैं और जल में तैरते रहते हैं। इनको भी हम चार सब क्लास में डिवाइड करते हैं, रेडुलेरिया, अखेंथेरिया, हेलियोजोवा और प्रोटियोमिक्सिडिया। रेडुलेरिया के अंदर रेडुलेरिन्स को रखा जाता है, ये रेडुलेरिन से इनके अंदर ये एक्सोपोडिया पाया जाता है। एकेंथेरिया के अंदर एकेंटोमेट्रोन को रखा जाता है। हेलियोजोआ के अंदर एक्टिनोफ्राइस को रखा जाता है। यहाँ पे रेडुलेरिन्स होते हैं ये मेराइन प्रोटोजोन्स होते हैं, जबकि जो हेलियोजोआ होते हैं वो एक्वाटिक प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटियोमिक्सिडिया के अंदर लेप्टोमिक्सा को रखा जाता है। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है जिनको आपको याद रखना, क्लासिफिकेशन ऐसी चीज़ें जिसको थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, ट्रिक के साथ आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सुपर क्लास की बात करते हैं हम, मेस्टिकोफोरा सब फाइलम की अंतिम सुपर क्लास ओपेलाइनेटा। इसके अंदर जितने भी जीव होते हैं सारे पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा होता है। न्यूक्लियस दो या दो से अधिक प्रकार का होता है। कई सीलिया प्रकार के ऑर्गेनेल पूरी बॉडी के ऊपर तिरछी ओब्लिक रो में लगे होते हैं, और इसके अंदर एक ही ऑर्डर को रखा जाता है ओपेलाइनिडा, या एग्जांपल इसका है ओपेलाइना। बात करते हैं सेकंड सब फाइलम की स्पोरोजोआ, जिसको हम एपिकॉम्प्लेक्सिया भी कहते हैं। इनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजोआ नाम इसलिए रखा गया जिनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। स्पोर्स सिंपल होते हैं, ध्रुवीय तंतु नहीं पाए जाते हैं। एक से कई स्पोरोजोइट्स होते हैं। न्यूक्लियाई सिंगल होता है, केंद्रक सिंगल होता है, सारे परजीवी फॉर्म में होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनगेमी प्रकार का होता है। इनको फिर हम तीन क्लासेज में डिवाइड करते हैं, टिलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हैप्लोस्पोरिया। टिलोस्पोरिया में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मिया में स्पोर्स एब्सेंट होते हैं, और हैप्लोस्पोरिया में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। टिलोस्पोरिया में सुडोपोडिया यदि पाया जाता है तो वो केवल फीडिंग के रूप में काम करता है। टॉक्सोप्लाज्मिया में सुडोपोडिया और फ्लैजिला पूरी तरह एब्सेंट होता है, जबकि हैप्लोस्पोरिया में फ्लैजिला एब्सेंट होता है और सुडोपोडिया प्रेजेंट हो सकता है। ये बेसिक अंतर है तीनों क्लासेज में। इनके एग्जाम्पल के रूप में देखें, टिलोस्पोरिया का एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस और आयमेरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया का एग्जाम्पल टॉक्सोप्लाज्मा, हैप्लोस्पोरिया का एग्जाम्पल कोई विशेष नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया। तीसरे सब फाइलम की बात करते हैं निडोस्पोरा। निडोस्पोरा और स्पोरोजोआ में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक चीज का अंतर है। निडोस्पोरा के अंदर उन प्रोटोजोन्स को रखा जाता है जिनके अंदर स्पोर्स एक या एक से अधिक ध्रुवीय तंतु के साथ पाए जाते हैं, और ये सारी स्पीसीज परजीवी होती है। इनको हम दो क्लासेज में डिवाइड करते हैं, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया।
मिक्सोस्पोरिडिया में स्पोर्स का जो ओरिजिन है वो बहुकोशिकीय प्रकार का होता है, या एक या एक से अधिक स्पोरोप्लाज पाए जाते हैं जिसके अंदर दो या दो से अधिक वाल्व या खांच पाई जाती है। माइक्रोस्पोरिडिया के अंदर स्पोर्स का ओरिजिन एक कोशिकीय होता है और सिंगल स्पोरोप्लाज पाया जाता है जिसके अंदर सिंगल खांच पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें मिक्सोस्पोरिडिया का एग्जाम्पल मिक्सिडियम और माइक्रोस्पोरिडिया का एग्जाम्पल नोसेमा। लास्ट क्लास की बात करते हैं सीलियोफोरा की। सीलियोफोरा नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर सीलियरी एपर्चर पाया जाता है या सीलिया पाया जाता है। लाइफ की किसी न किसी अवस्था में सीलिया जरूर पाए जाते हैं। सब पेलिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा प्रेजेंट होता है, चाहे सीलिया प्रेजेंट हो या ना। सब पेलिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होती है? जो पेलिकल होता है प्रोटोजोन्स का, जो बाहरी आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके नीचे पेलिकल होता है, वहाँ पर सीलिया की जो ओरिजिन, जो सीलिया की, जो जहाँ से सीलिया का निर्माण होता है, वो स्ट्रक्चर सब पेलिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाती है। वो हमेशा प्रेजेंट होती है, चाहे बाहर सीलिया या एक्सटर्नल सीलिया एब्सेंट हो सकता है। दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉन्जुगेशन, ऑटोगेमी, साइटोगेमी प्रकार का हो सकता है, और एलिंगी जनन बाइनरी फिजन प्रकार का हो सकता है। पोषण हिटोट्रोपिक प्रकार का होता है। ज़्यादातर स्पीशीज फ्री लिविंग होती है, यानी पैरासिटिक फॉर्म बहुत कम पाई जाती है। इसको हम सिर्फ एक क्लास में डिवाइड करते हैं, सीलिएटा। सीलिएटा के अंदर वही सारे लक्षण जो सीलियोफोरा के, वो सारे सीलिया के अंदर आते हैं। और सीलिएटा को हम आगे चल के चार सब क्लास में डिवाइड करते हैं, होलोट्राइका, पेरिट्राइकिया, सप्टोरिया और स्पायरोट्राइकिया। होलोट्राइकिया का मतलब है जितने भी सीलिया होते हैं पूरी बॉडी पे समान रूप से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में वेलेंटीडियम और पैरामेशियम, यहाँ दे पैरामेशियम देख रहे हो, यहाँ पे पैरामेशियम की पूरी बॉडी पे सीलिया समान रूप से पाए जाते हैं। पेरिट्राइकिया यानी परिधि रूप से सीलिया पाए जाते हैं, वो एडल्ट फॉर्म में एब्सेंट होते हैं। सीलरी अरेंजमेंट इन ओरल रीजन, जो मुख्य क्षेत्र होता है, जो ओरल क्षेत्र होता है, वहाँ पे सीलिया का अरेंजमेंट पाया जाता है, वो आराम से देख सकते हैं हम। और इनका जो कोइल है वो एपिकल पोल, ये एपिकल पोल है, यहाँ से यहाँ तक एपिकल कोल। ये मैं पैरामेशियम में दिखा रहा हूँ, हालांकि ये पैरामेशियम का एग्जाम्पल नहीं है, पेरिट्राइकिया पैरामेशियम का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन साइटोस्टोम, ये साइटो यहाँ पे साइटोस्टोम होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सीलिया लगे होते हैं पेरिफ्रली परिधि रूप से, इसलिए इसको पेरिट्राइकिया कहते हैं। तीसरी सब क्लास है सुप्टोरिया। इसके अंदर कोई एक्सटर्नल सीलिया मैच्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, इनके अंदर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। आप यह एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इनके अंदर ये टेंटिकल्स होते हैं जिनके द्वारा ये पोषण प्राप्त करते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलैंगिक प्रकार का होता है और बडिंग द्वारा संपन्न होता है, एग्जाम्पल के रूप में पोडोफायरा। चौथी सब क्लास है स्पायरोट्राइकिया। इसके अंदर एक्सटर्नल जो सिलेचर है वो स्केटर्ड रूप में पाया जाता है, मतलब विस्तृत अवस्था में या बिखरा हुआ होता है। कुछ कुछ जगह पे बाहर की तरफ सिलिया निकले होते हैं, और कुछ स्पीसीज में सीरी प्रेजेंट होता है। सीलिया जब एक साथ ग्रुप के रूप में पाया जाए तब उसको हम सीरी कहते हैं, सीरी का निर्माण करते हैं सीलिया एक साथ मिलकर। मुख के पास जो सीरी पाई जाती है वो कोइल्ड होती है, वो एपिकल पोल से क्लॉकवाइज रूप में साइटोस्टोम तक पाई जाती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें हम तो स्टेंटर और सेप्रोडिनियम। ये बेसिक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। यहाँ पे हमने कुछ शब्द पढ़े थे फोरामिनीफेरा। फोरामिनीफेरा के अंदर जो सुडोपोडिया होता है फिलोपोडिया प्रकार का होता है, और फिलोपोडिया में भी रेटिकुलोपोडिया, यानी एक नेटवर्क होता है, ब्रांचेज होती है फिलोपोडिया की, इसलिए उनको हम रेटिकुलोपोडिया कहते हैं। ये सारे के सारे मेराइन ग्रुप होते हैं प्रोटोजोआ के, इनको हम सामान्यतः फोरम्स भी कहते हैं। एक हमने शब्द पढ़ा था हेलियोजोआ। ये सारे एक्वाटिक प्रोटोजोआ होते हैं जो या तो तैरती अवस्था में पाए जाते हैं या किसी स्तंभ या स्टाक के साथ जुड़े हुए होते हैं।
ये इनके अंदर एक्जोपोडिया पाया जाता है। एक हमने शब्द सामने शब्द पढ़ा था रेडियोलेरिया, इनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इसके आधार पर इनका नाम दिया गया था। और इनके अंदर एक्जोपोडिया पाया जाता है। सारे के सारे रेडियोलेरियंस मेराइन और फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं, ये तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते हैं। ये एज के हमने डायनोफ्लैजिलेट पढ़े थे, ये सारे के सारे मेराइन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होते हैं, इनके अंदर एक फ्लैजिलम भी पाया जाता है। तो ये कुछ हमने कुछ शब्द यहाँ पर देखे हैं, ये प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन है। हालांकि मैंने डीपली नहीं लिया है, थोड़ा बोरिंग टाइप का है, लेकिन मैंने कुछ कुछ बेसिक लक्षण इसमें हमने मैंने इसमें लिए हैं। आप इनको अच्छे से याद करना, पढ़ लेना, PDF आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पोर्शन में अवेलेबल करा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला चैप्टर हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूग्लिना को लेंगे, यूग्लिना के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।